Okay, good afternoon, kids.

पूरे चैनल को संभाली हुई है यू you नो know, सारी चीजें पोस्टिंग से लेके इवेंट से लेके हर चीज मैनेज करती है एक हमारी एक बहुत ही सुपर क्यूट तो यहाँ पे हम बुलाते हैं यस ऑफ कोर्स आज हम मिलाने वाले हैं शांति से या ये हमारी शांति तो बच्चों शांति हमारी बहुत ही प्यारी सी है चल माइक निकाल लेते हैं भाई आप कुछ तो सुनेंगे ना बच्चों एक गाना तो गवा ही लेते हैं चांदी आई है तो मैं बहुत गला खराब सो हाय एवरीवन आई थिंक आप लोग सब सेशंस बहुत एंजॉय कर रहे हो थोड़ा सा शेयर भी कर दो आई मीन आई हो लाइव थोड़ा सा शेयर करो थोड़ा लाइक करो आई I मीन mean, सबको बोलो ज्वाइन करे जो आपके दोस्त हैं उनको भी बोलो ज्वाइन करें एंड हम लोग काफी सारे सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं मैंने इसको ये बिल्कुल नहीं बोला ये सब बोलने के लिए खुद बोल रही है नहीं 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 चैनल है हमारे प्लीज़ थोड़ा सा प्यार और प्यार बरसाओ और प्यार बरसाओ क्योंकि हमारे गरिमा मैम है और मैं ज़्यादा समय एकदम बर्बाद नहीं करूंगी बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज की बहुत सारे सरप्राइजेस हम लोग लेके आने वाले हैं सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहो एंड अच्छे से एंजॉय करो गरिमा मैम का ओह माय गॉड चांदनी ने लंबी स्पीच दिया बच्चों देख लो सब ट्रेंड हो चुके हैं यहाँ पे <laughs> तो ये हमारी शांतनी थी बच्चों देखो फैमिली ऑलवेज वर्क टुगेदर एंड शांतनी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग वट एवर हैपनिंग ऑन द चैनल एंड इसलिए मुझे लगा कि आज आपसे जरूर मिलवाना चाहिए उस बैक फोर्स जो काम कर रही है इस चैनल के लिए गर्ल पार

ऑफकोर्स आर लेक्चर तो आज स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक काम क्यों नहीं कर रहा है ये मैं सोच रही हूँ दूसरे वाला ले लेते हैं ये वाला ले लेते ले हैं ले ले ले। शायद ये वाला काम कर जाएगा ओके okay, नहीं काम कर रहा है ये कैसा काम कर रहा है यस yes. चलो आओ बच्चों नर्वस इशू आज हमें शुरू करना है आज हम इस टॉपिक को जल्दी-जल्दी कंप्लीट करने के लिए सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल या आपका अपना चैनल आपकी अपनी फैमिली है बच्चों जहाँ पे हम साथ मिलके क्या करेंगे फोड़ेंगे नीट 2021 ठीक है एंड बच्चों

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे ठीक है कितने हो गए पांच महीने हो गए पांच महीने है जहां पे क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स का नाम है पहल बैच क्या नाम है पहल बैच जहां पे सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सारे टॉप एजुकेटर्स दिस इज अ बैच विच इज योअर वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर लास्ट प्रिपरेशन अगर आज भी दिल में उम्मीद है और लग रहा है कि मैं पीछे छूटा हुआ है दिस इज योर चांस दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट यूर सेल्फ यू नो शुरू हो चुका है तो मैं फिर से बोल रही हूँ अगर ज्वाइन करना है तो दिस इज योर चांस पहल बैच ठीक है इसको जरूर ज्वाइन करो बच्चो इसके लिए आपको क्या करना है लर्निंग एप को डाउनलोड करना है इंस्टॉल करने के बाद प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन पे जाना है यू हैव टू गो ऑन और उसके बाद नीट यूजी एंड गेट सब्सक्रिप्शन ठीक जीएन ईड &E रेफरल कोड लगाना है तो टू गेट योर टेन परसेंट ऑफ तो जैसे अगर आप पहल बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे एस के सिंह सर हैं रमेश शारदा सर है ठीक तो है थीके? सारे हैं इतने अमेजिंग टीचर्स तो उनसे पढ़ने के लिए आपको जी एन &E ईड रेफरल कोड लगाना है

टेस्ट सीरीज भी है और सब चीजें हैं ठीक है एंड यहाँ पे 24 मंथ्स का है 90000 12 मंथ्स का 58500 रेफरल कोड आपका GA नीट ठीक है तो बच्चों ये देख लेना कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स है मेरे पास भेज देना अब शुरू करें आज की पढ़ाई और मेरे बच्चों और मेरे बच्चों पढ़ाई शुरू करें एक बार जोश तो दिखा दो चैट बॉक्स में क्या अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं सच में

ठीक है आ जाओ मेरे बच्चों क्या वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही क्या आ रही है ना चलो आ जाओ, जाओ। आज का टॉपिक है हमारा नर्वस टिश्यू तो मेरे बच्चों अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसका ओरिजिन क्या What is origin of nervous tissue? Nervous tissue origin है इज ओरिजिन 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 ऑफ नर्वस नर्वस टिश्यू टिश्यू का है है एक्टोडर्मल एक्टोडर्मल क्या बच्चों इन यानी कि इसमें हम जितने भी कोशिकाएं यानी सेल्स की बात करने वाले हैं वो सबके सब क्या होंगे एक्टोडर्मल होंगे कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आज आपको जरूर बताऊंगी ठीक है अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं चलिए बताइए पहले तरह का सेल कौन सा बच्चों द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज योर न्यूरो

अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं या नहीं करते कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा दे डोंट डिवाइड यस बिल्कुल दे डोंट डिवाइड बिल्कुल सही है सो दे डू नॉट शो डिवीजन दे डू नॉट शो डिवीजन बिकॉज़ दे डोंट हैव सेंट्रियोल क्योंकि इनमें सेंट्रिओल इज एब्सेंट बिकॉज़ इसमें सेंट्रिओल एब्सेंट होता है राइट right, बच्चों अब आते हैं हम न्यूरोग्लियल सेल्स पे दी सेल्स कैन राइट right, मेरे बच्चो तो ये हो गया आपके न्यूरो न्यूरोल्स अब अगर इनकी क्वान्टिटी की बात करें तो कौन से सेल ज्यादा होते हैं टेलमिन चैट बॉक्स कौन से सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है बच्चो तो यहाँ पे

<coughs> तो आज सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में करेंगे टन 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 अब न्यूरॉन को समझने के लिए बच्चों हमें क्या हाँ पे जाना पड़ेगा नर्व फाइबर के पास जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों नर्व फाइबर के पास जाना पड़ेगा तो चलो नर्व फाइबर पे चलते हैं तो सबसे पहले गोला बनाइए सबने बनाया देखिए कितना शानदार गोला मैम ने बनाया है ना यस बिल्कुल तो सबसे पहला गोला फिर और गोले बनाते हैं बच्चों ये देखिए सारे गोले बन रहे हैं बिल्कुल बन रहे हैं ठीक है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी नर्व की होती है दिस इज कॉल्ड एस व्हाट बच्चों एपिन्यूरियम क्या बोलते हैं बच्चों आउटर मोस्ट लेयर को द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एस एपिन्यूरियम एंड दिस एपिन्यूरियम इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है किससे बनी होती है डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है बच्चों उसके बाद अगर हम इसके अंदर आते बच्चों तो ये वाली जो लेर है this is called as क्या बोलते इसको पेरी न्यूरियम और पेरी न्यूरियम भी किसकी बनी होती है बच्चो डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू तो ये भी कैसे बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अब आते हैं हैं इसके इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर बच्चों भी छोटे 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 सेल्स सेल्स होते आर नथिंग बट योर बढ़ाई तो कर दो यार है ना अब जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोलते है बच्चों एंडोन्यूरियम क्या बोलते है बच्चों एंडोन्यूरियम जो बना होता है एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से किससे बना होता बच्चो? है बच्चों एरियोला कनेक्टिव टिश्यूज है एंड एंडोन्यूरियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूरॉन तो ये किसको कवर करता है इट कवर्स न्यूरॉन इट कवर्स न्यूरॉन ठीक है बच्चों पेरिन्यूरियम इज गोना कवर व्हाट योर नर्व फैसिकुलाई इट कवर्स व्हाट इट कवर्स योर नर्व फैसिकुलाई ठीक है एंड इट इज कवरिंग द एंटायर नर्व ये पूरी नर्व को कवर कर रहा है

अब हम फाइनली यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाने वाले हैं सो एवरीबॉडी हैज टू मेक दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे बनाते हैं बच्चों तो सबसे पहले सबसे पहले हम बनाएंगे क्या सेल बॉडी सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों सेल बॉडी तो आ सबसे पहले बनाते हैं अभी देखो यहां पे शौक लग 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 शौक लगा शॉक लकलक लगा, लगा शॉक लगा क्योंकि बेटा कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर में बनाने वाली है जो आपको ऐसा लगेगा कि शॉक लगा 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 शॉक लगा ठीक है yes, यस बिल्कुल तो यहाँ पे देखो ऐसे यस नाइस डायग्राम वेरी नाइस डायग्राम तो शॉक लगा 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 शॉक लगा ये देखिए डायग्राम सो ऑसम डायग्राम्स देखो कितना ऑसम awesome डायग्राम है बिल्कुल आप जरा ये भी बना देते हैं यस ओके डन तो ये हमने बना दिया है दिस इज योर न्यूक्लियस ये आपका बीच में बनाते हैं न्यूक्लियस अब बच्चों इसको लेबल करना बहुत जरूरी है यस yes. इसे लेबल करना बहुत जरूरी है तो क्या आप मेरे साथ है लेबलिंग में चलो आ जाओ सबसे पहले द एंटायर स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स कितने पे डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एस सोमा और इट इज कॉल्ड एज सेल्फ बॉडी और इट इज कॉल्ड एस फेरी उसके बाद बच्चों ये जो सबसे लंबा वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एस एग्जॉन क्या बोलते है इसको एक्सॉन और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते टर्मिनल क्या बोलते बच्चे इसको एक्सॉन टर्मिनल तो इतना तो लिखो सबसे पहले अब आते हैं इसकी बाकी लेबलिंग्स के पास आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ यस तो अब आते हैं सबसे पहले बच्चों ये जितने भी आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं ये क्या है दिस इज कॉल्ड एज़ डेंड्रोन दिस इज कॉल्ड एज़ डेंड्रोन ठीक है बच्चों दीस आर कॉल्ड एज़ स्पाइक्स दीस आर कॉल्ड एज़ स्पाइक्स एंड दे टुगेदर मेक डेंड्राइट्स

ठीक है तो यानी कि हमेशा जो भी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा वो हमेशा अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा और वो रिसेप्टर हमेशा डेंड्राइट पे प्रेजेंट होएगा, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट तो ये तो हो गया आपके डेंड्राइट ये हो गया स्पाइस और ये हो गया डेंड्रॉन ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट अब यहाँ पे बच्चों सेल बॉडी के अंदर छोटे 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 कुछ ग्रान्यूल्स होते हैं क्या होते हैं ग्रान्यूल्स क्या होते हैं चैट बॉक्स दॉक्स बच्चों क्या बोलते हैं हैं और ये किससे बने होते बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आर ई आर फिर से राइबोसोम से बने हैं, तो यानी कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होंगे क्या होंगे बच्चों ये प्रोटीन फैक्ट्रीज तो ये हो गए आपके प्रोटीन फैक्ट्रीज यहाँ सारा प्रोटीन बनेगा क्या बनेगा बच्चों सारा प्रोटीन बनेगा और बीचो बीच जो दिख रहा है हमको केंद्रक ठीक है यस yes. न्यूक्लियस तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस अब आते हैं बच्चों एक्सॉन हिलॉक आज तक आज तक हमको समझ नहीं आया तो आज हम समझेंगे तो यहाँ पे माम लिख रही है एक्सॉन हिलॉक अच्छा एक बात बताओ बच्चों जब आप पढ़ने नहीं बैठते तो क्या होता है आपके साथ वट हैपन्स जब आप नहीं पढ़ते हो आप जी स्क्वायर के डांट सुन लेते हो ठीक है या फिर आप मम्मी की डांट सुन लेते हो बट मम्मी की डांट का भी थ्रेश होता है कि जैसे मम्मी ने बोला जब पढ़ ले यू वुड बी लाइक आई पढ़ रहा हूँ ना पढ़ रहा हूँ ना क्या कर रहा था मैं यस ठीक है फिर मम्मी ने कहा अजीब पढ़ता है नहीं पढ़ता चप्पल निकालू फिर उसके बाद जा रहा हूँ पढ़ने जा रहा हूँ पढ़ने ठीक है तो बेटा ऐसी वाली जब तो सिचुएशन तो पहुंच पाते हैं मेरे बच्चों है ना यस तो सारे सिग्नल्स आते हैं बट सारे सिग्नल्स में बच्चों कुछ ही सिग्नल होते हैं जो आप पकड़ते हैं और एक्चुअली में उन पे काम करते हैं हाय हेलो तो बहुत आते हैं है ना है ना बेटा एक्सिलोटर हाई हेलो तो बहुत आते हैं बट कुछ ही हाई हेलो पे हाई हाई जाता है वापस है ना है ना है ना तो यही काम एक्सॉन हिलॉक का भी है बच्चों जानी कि दिस इज अ मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ अ न्यूरॉन अगर यहां पे इसको लगा कि हाँ भाई देखो थ्रेशहोल्ड टाइप का स्टिमुलस आया है तो वो स्टिमुलस आगे जाएगा अगर उसे लगा कि भाई हल्का सिग्नल आया है तो ये कहेगा चल चल जा यहाँ से चल चल ऐसे हाय हेलो वाले तो छत्तीस आते हैं हाँ तो क्या बड़ी चीज है है ना बच्चों ये वाला सिग्नल हो जाता है सो so, एक्सॉन हिलॉक क्या है इट इज अ मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ अ न्यूरोन सबसे सेंसिटिव पोर्शन है यही वो पोर्शन है जहां पे कैलकुलेशन होगा कि सिग्नल आगे जाएगा या फिर नहीं जाएगा ठीक है तो so, दिस एरिया इज कॉल एस एक्सॉन हिलॉक समझ आया कि नहीं आया जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में है ना जल्दी से बता दो बच्चों चैट बॉक्स में तो आज यहां पर लिख लेते इसके बारे में इट इज मोस्ट सेंसिटिव एरिया विच रिसीव्स विच रिसीव्स थ्रेस होल्ड थ्रेस होल्ड स्टेबलस Which receives threshold stimulus. Very important. तो यही वो एरिया है जहां डिसाइड होगा कि बात आगे बनेगी या नहीं बनेगी तो प्लाज्मान को क्या कहेंगे एग्जो लेमा ठीक है क्या बोलेंगे एक्जो लेमा ठीक है तो ये होगी एग्जॉन की मेमब्रेन जिसका नाम हमने दे दिया एग्जो लेमा और एग्जो क्या होता बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन ठीक है अब बच्चे इसके अंदर आपको क्या फ्लूड दिख रहा है बोलो यस बोलो यस तो यहाँ पे ये सारा फ्लूड है जो आपके एक्सॉन में भरा हुआ है और इसको क्या बोलेंगे एक्सोप्लाज्म प्लाज्म मैम दिल टूट जाता है मैम बेटा देखो अब क्या कहूं मैं अब तुम सिंगल हो तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा कुछ करो अच्छा जिंदगी में कुछ करो बेटा अभी पढ़ाई करो ये तो मैं कहती हूँ अभी पढ़ लो यही मौका है प्यार मोहब्बत सब धोखा है पढ़ लो मेरे बच्चों यही मौका है ठीक है तो यहाँ पे जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ एग्जोन साइटोप्लाज्म ऑफ एग्जोन साइटो अब बच्चों इसके पास एक तरह की शीत होती है शीत माइलिन शीत ठीक है यस बिल्कुल तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो मैम ग्रीन कलर से बना रही है वो क्या है बच्चों माइलिन शीत ये देखो ग्रीन कलर से बना रही है ना मैम कितनी अमेजिंग है कितनी अमेजिंग है तो इसको सबसे पहले लिखते हैं इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होते हैं हो, उसे बोलते हैं माइलिन शीत और माइलिन शीत एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है क्या है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर देख रही टिल्लू मैम चेंज हो गई ओके okay. मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी यस yes, आ जाओ तो बच्चों यहाँ पे माइलिन शीत क्या है यस माइलिन शीत क्या बच्चों इट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आ नैन्सी नहीं आई है क्या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ठीक है बच्चों यस yes. तो यहाँ से सिग्नल बेसिकली आगे इस वाले पोर्शन से सिग्नल नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली सिग्नल को जम करना पड़ता है ठीक है और बच्चों किससे बनाता है ये लिपिड से बनाता है प्लस ये ग्लाइको प्रोटीन से बनाता है प्लस ये ग्लाइको प्रोटीन से बनाता है इसको लिख लो जल्दी से अब माइलिन शीत को कौन बनाता है ये कौन बताएगा मुझे चार्ट बॉक्स में ये कौन बताएगा मुझे चार्ट बॉक्स में चलो बच्चों, अभी माइलिन शीत बना दिया एक्सो लेमा बना दिया और जहां पे माइलिन शीत नहीं होती है ठीक है यस जहां पे माइलिन शीत नहीं होती है उसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे माइलिन शीत एबसेंट है उसे क्या बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर क्या बोलेंगे बच्चों उसको नोड्स ऑफ रैनवियर जहां पे माइलिन शीत एब होती है और माइलिन शीत को बनाने वाले सेल का क्या नाम है बच्चों दैट इज योर श्वान सेल दैट इज योर श्वान सेल देख रहे हो माम एक येलो कलर से लेयर बना रही है दिस येलो कलर की लेयर इज कॉल्ड एज न्यूरी लेमा येलो कलर की लेयर इज कॉल्ड एज न्यूरी लेमा एंड न्यूरी लेमा इज नथिंग बट अ साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ श्वान सेल ठीक है तो ये किससे बनी होती है बच्चों साइटो लेयर ऑफ़ श्वान सेल सेल तो ये तो होगी इसकी सारी कवरिंग्स इतना समझ में लगा है नहीं लगा जल्दी चैट बॉक्स में बता दो एवरीबॉडी डू लेट मी नो इन द बॉक्स इतना सबको समझ में लगा यस बच्चों तो ये गई हमारी सारी अब आते हैं इसके एग्जॉन टर्मिनल पे

बोलो नो no, बिल्कुल इजी था टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर स्लाइड बच्चों एक-एक चीज क्लियर दिख रही है ना बोर्ड पे डायग्राम बना रहे हो नहीं बना रहे हो एक-एक चीज लिखा करो जो भी मैम ने लिख दिया बोर्ड पे मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कुछ नहीं छोड़ना कुछ नहीं छोड़ना एग्जाम के लिए यस बच्चों एक-एक चीज लिखी है एक-एक चीज आपने भी लिखनी है मेरे साथ-साथ यस बिल्कुल चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेटा कितने टाइप्स के होते हैं मेरे बच्चों चैट बॉक्स में बता दो मैम ने पहले भी बहुत बार टेबल बनाई है फिर से टेबल बनाऊंगी जब तक तुम्हें याद ना हो जाए टेबल बनाती जाऊंगी बनाती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी ठीक है यस yes. आ जाओ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बच्चों तो पहला हम ले लेते हैं नेम टेबल बनाइए मेरे साथ ये है नेम ये उसका हो जाएगा चित्र चित्र माने डायग्राम ठीक है यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एक्सॉन यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डेंड्राइट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे लोकेशन यहाँ हम लिख लेंगे लोकेशन तो अभी सारे बच्चा पार्टी मेरे साथ साथ बनाएंगे ठीक है यस कम ऑन बच्चों कम ऑन जो एनसीईआरटी में वही हम लिख रहे हैं बस ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में दिया हुआ है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ठीक है यस yes, बिल्कुल आ जाओ मैम आपने वैसे मुझे कहा था जी स्क्वायर में सिंगल <coughs> आ जाओ मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यस आ जाओ आ yes, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 계속 खिस, 계속 हिसाब करियो मैं हिसाब करियो आ जाओ फर्स्ट है बच्चों यूनिपोलर फिर हम लेंगे बायपोलर फिर हम लेंगे स्यूडो यूनिपोलर फिर हम लेंगे बच्चों यस ऑफ कोर्स फोर्थ लेंगे मल्टीपोलर <coughs> जरा गला थोड़ा सा खराब हो गया मेरे बच्चों क्या ना थोड़ा गला खराब सा हो गया खचखच खश से हो रही है तो थोड़ा खास दिया मैंने तुम गलत मत लेना कोई भी चीज ठीक है तुम गलत मत लेना बस आज यूनिपोलर देख लेते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे मैम चित्र बनाएगी फिर बच्चे खुद दिमाग लगाएंगे सारा ये फर्स्ट डायग्राम ये बायपोलर का डायग्राम देखो कितना प्यारा डायग्राम है बोलो कितना प्यारा है ना यस बिल्कुल थोड़ी खचखच हो गई थी यस अब आएंगे सूडो यूनिपोलर पे आ जाओ ये सीडो यूनिपोलर है ठीक है अब आते मल्टीपोलर पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यस ये हमारा मल्टीपोलर अब मेरी हेल्प करोगे जरा हाँ ज्यादा दिमाग चलाने लगे वैसे भी आजकल आ जाओ बेटा तो यहाँ पे स्यूडियो यूनिपोल, पहले यूनिपोलर है यूनि मतलब सिंगल पोल ठीक है तो बच्चों यहाँ पे एक्सॉन वन है डेंड्राइट जीरो है सही बात है बोलो यस बिल्कुल बाइपोलर है? तो एक एक है, है।, तो है, है तो इसके पास भी एक एक्जोन एक डेंड्राइट एक ठीक है मल्टीपोलर की बात करें तो यहाँ पे एक्जोन एक ही दिख रहा है बट डेंड्राइट मैनी दिख रहा है तो ये तो हो गया आपका टेबल ठीक है बच्चों बच्चों अब आते जरा लोकेशन लोकेशन पे पे अगर हम की की बात करें पोलर की, कहां पे होते हैं कहां मिलते हैं ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कहां मिलते हैं मेरे बच्चों ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अगर हम बायपोलर की बात करें तो आख में है ना कहां पे आंखों में तो अगर हम यहाँ पे बाइपोलर की बात करें तो आंखों में यानी रेटिना ऑफ आई, ठीक है एन ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम और दूसरा क्या बच्चों ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम ठीक है फिर आते हैं बच्चों स्यूडो यूनिपोलर ये मिल कहां मिलते हैं डॉर्सल रूट गैंगलिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहा मिलता है बच्चों ईयर कौन लिखा है आंखें बोल रही हूँ ईयर लिख रहे हैं पहली कक्षा में भेज देने का मन कर रहा है बिल्कुल आंखें कर करके दिखा रहे हैं वहां ईयर लिख रहे हैं कहां से बेटा, कैसे कर लेते हो तुम ये सब मैं अक्सर यही सवाल पूछती हूँ कर कैसे लेते हो यस आ जाओ यहाँ पे अगर सीडो यूनिपोलर की बात करें तो इसका आंसर क्या है डोरसल रूट डेंगलिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और बेटा गैंगलिया का मतलब क्या होता है वट इज गैंगलिया द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सी एन एस आउटसाइड द सी एन सो वट इज जिन बच्चों को नहीं पता गैंग्लिया क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गैंग्लिया का मतलब है ganglia का मतलब है यस yes. क्या मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड आउटसाइड CNS. आउटसाइड सीएनएस यानी वो पीएनएस में मिलता है गैंगलिया ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों मल्टीपोलर मल्टीपोलर आपको तो स्पाइनल कॉर्ड में मिल जाएंगे और ब्रेन में मिल जाएगा एंड ब्रेन में मिल जाएगा बस सिंपल सी टेबल टॉपिक खत्म टॉपिक खत्म यस बच्चों हाँ बेटा यशोदा मल्टीपोलर एक्सॉन एक ही रहेगा हमेशा खत्म ये टॉपिक खत्म हो गया अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स ठीक है यस बिल्कुल <coughs> यस चले बच्चों गलती से मिस्टेक आहा गलती से मिस्टेक आहा है ना बच्चों यस बिल्कुल हो गई बेटा गलती से मिस्टेक तुम लोग वैसे भी बास की नजरे लेके ही बैठे रहते हो तुमसे जितना मुझे डर लगता है ना मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता बास की नजरे मेरे बच्चों की बट जैसे भी है मेरे बच्चे हैं टाइगर जैसे भी है सब मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं मन लगा के वेरी हैप्पी यस लिखा सबने चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है ठीक है आ जाओ न्यूरोग्लियल सेल्स देखो नाम को तोड़ो और मतलब निकालने की कोशिश करो न्यूरो Neuro मतलब न्यूरॉन ग्लियल माने चिपक यानी कि ग्लू तो ये ऐसे सेल्स है जो न्यूरॉन्स की चिपक है ठीक है तो अगर इसे हम यहाँ पे लिखे तो ये क्या है न्यूरॉन्स की चिपक न्यूरॉन्स की चिपक बिल्कुल सही तो इसका हिंदी में अर्थ भी यही है बच्चों ऐसे सेल्स जो न्यूरॉन से चिपके रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं यस न्यूरॉन्स की चिपक सेल्स ठीक है बिल्कुल यस yes. ओके okay. अब न्यूरोग्लियल सेल्स आपके दो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और दूसरा प्रेजेंट होता है बच्चों आपके सीएनएस में कहां पे सीएनएस में ठीक है जो पीएनएस में आपको बात करनी है दैट इज योर फर्स्ट श्वान सेल यहाँ पे हम श्वान सेल की बात करेंगे वहीं पे सीएनएस में हम जिस बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे बच्चों यस ओलिगोडेंड्रोसाइट की किसकी बात करेंगे ओलिगो ड्रोसाइट ऑलिगोडेंड्रोसाइट की फिर उसके बाद बच्चों और किस सेल की बात करेंगे की. की. किसकी बात करेंगे हम यस yes. एस्ट्रोसाइट हो गया ऑलिगोडेंड्रोसाइट हो गया माइक्रोग्लियल सेल यस माइक्रोग्लियल सेल तो आज बच्चों शुरू करें लेट स्टार्ट बताओ जल्दी से चार्टॉक्स में स्टार्ट करें आज तुम्हें एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन कराएंगे बिल्कुल बढ़िया से विजुलाइजेशन कराएंगे जल्दी से एक बार लिख लो ये फिर उसके बाद करते हैं बच्चों। बच्चो आ जाओ फास्ट करेंगे बच्चों पीएनएस का, यानी कि श्वान सेल यहाँ पे हम बात करेंगे श्वान सेल की अब देखो श्वान सेल क्या है आ जाओ अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए थोड़े से प्रोब्स यस 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 ये हमारा क्या है एग्जोन क्या है मेरे बच्चों बोलो मेरे साथ एक बार देखो विजुअलाइज कर लो उसके बाद आराम से कर लेना ठीक है लिख लेना मैं खुद लिखवाऊंगी ये क्या है एग्जॉन क्या है नलायको आओ मेरे छेड़ बच्चों आ जाओ ये क्या है एग्जोन ठीक है एग्जोन से चिपका हुआ है शो सेल तभी तो न्यूरोग्लियल सेल है यार क्या बोला था न्यूरॉन से चिपके हुए सेल को न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं तो ये है एक्सॉन एक्सॉन से चिपका हुआ श्वान सेल ठीक है अब इसको अगर ऐसे देखेंगे अगर इसको ऐसे देखेंगे तो बीचों बीच क्या मिलेगा एक्सॉन उसके साइड में मिलेगा श्वान सेल और श्वान सेल और एक्सॉन के बीच में मिलेगी माइलिन शीथ क्या मिलेगी बच्चों माइलिन शीथ तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए अगर हम बच्चों इसका डायग्राम बनाएं चलो बनाते हैं तो यहां पे अंदर ये है आपका हो गया एक्सोप्लाज्म ठीक है ये हो गई बच्चों एग्जो लेमा एक्सोलेमा ठीक है और इसके आसपास जो घूम घूम के बना रहे कौन सी शीत बना रहे हैं, हैं? माइलिन शीत ये क्या है आपकी माइलिन शीत माइलिन शीत और माइलिन शीत कौन बना रहे है श्वान सेल कौन बना रहे बच्चों श्वान सेल और इसके आस पास विद न्यूक्लियस ये है उसका न्यूक्लियस ये क्या बच्चों उसका न्यूक्लियस ठीक है और ये क्या है उसका सारा साइटोप्लाज्म ये सारा क्या है उसका साइटोप्लाज्म और ये पूरा सेल कौन सा से? आपका श्वान सेल ये पूरा क्या आपका श्वान सेल

माइलिन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया कंप्लीट अब दूसरे पे चलो बच्चों सीएनएस एन एस पे टेन मीन द चैट बॉक्स चले नेक्स्ट पे बनाया तब ने डायग्राम शानदार डायग्राम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं अब आते नेक्स्ट पे चलो सब लोग फोकस करो पढ़ाई पे शिवू आ गई हमारी मॉनिटर क्लास मॉनिटर। यस yes. <laughs> शिवानी के आगे कोई नहीं कुछ कह पाता भाई वो अलग ही है भाई शिवानी यस yes. चलो आ जाओ अब आते हैं हम न्यूरॉन्स ऑफ़ ऑफ़ न्यूरोग्लियल सेल्स इसमें हमको फर्स्ट जो करना है दैट इज ऑलिगो डेंड्रोसाइट ठीक है अब देखते हैं इसका डायग्राम बना ले बच्चों लेट्स मेक डायग्राम ऑफ दिस आज इसका डायग्राम बनाते हैं लेट्स मेक डायग्राम तो सबसे पहले ऑक्टोपस बनाएंगे क्या बनाएंगे बच्चों ऑक्टोपस क्या बनाएंगे ऑक्टोपस तो आओ ऑक्टोपस बनाते हैं ठरन ये हो गया उसका न्यूक्लियस ठीक है और यहां पे उसकी बनाएंगे आर्म्स बनाओ आर्म्स यस बनाई आर्म्स ओए होए एक से एक आर्म्स बनाई हमने है ना यस तो ये इस तरीके से सेल दिखता है और एक हर एक आर्म ने पकड़ रखी है क्या न्यूरॉन हर एक ने क्या पकड़ रखा है न्यूरॉन को ठीक है बच्चों यस यस ये रहे आपके न्यूरॉन्स यस बिल्कुल सही हर एक ने क्या पकड़ रखा है बच्चों न्यूरॉन्स को पकड़ रखा है यस बिल्कुल ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए पकड़ रखा है बच्चों यस आ जाओ बना लो डायग्राम बनाओ 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 डायग्राम बनाओ अब हर न्यूरॉन के आसपास ये क्या बनाने वाला है बच्चों यस क्या बनाने वाला है ऑफकोर्स ये बनाने वाला है ओके वेरी नाइस nice, बच्चा वेरी नाइस ओके तो ये हर एक न्यूरॉन के आसपास क्या बनाने वाला है बच्चो अफकोर्स माइल इन शीत क्या बनाने वाला है माइल इन शीत सो दशनिगोडेंड्रोसाइट इज टू सिंथिस न्यूरो न्यूरोस अराउंड न्यूरोस ठीक है बच्चो लिखा तब ने चार्टॉक्स में

तो चल। चार्ण। चार्ण। yeah. mm. बच्चों मैं दिख रही हूँ <laughs> बच्चों मैं लाइव दिख रही हूँ तो जल्दी से बता दो यार एक बार चैट बॉक्स में कि कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है यस yes. अच्छा मैम आ गई हाँ हो गया ठीक ना हो गया हो गया हो गया बहुत प्यारे एक मकैनिक आए थे <laughs> बहुत प्यारे थैंक यू <laughs> तो चलो बच्चों आज क्लास को कंप्लीट करते हैं कोई नहीं बच्चे चले गए तो चले गए कोई ना कोई ना हम तो आगे ना वापस बड़ा वाला शगुन तो होता ही है फिर एक बार बताओ कौन सी क्लास बिना शगुन के हुई है हुई है क्या आज तक कोई भी क्लास बिना शगुन के बस ये बता दो चैट बॉक्स में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शगुन ना हुआ हो तो आज बड़ा वाला हो गया बस बस मैं गाना गा रही थी तो चल मैं आई चलो आ जाओ एस्ट्रोसाइट करते बच्चों ज्यादा ही सितारा बना दिया आज हमने तो एस्ट्रोसाइट में हम देखते हैं बच्चों व्हाट व्हाट इज द शेप ऑफ अ सेल द शेप ऑफ द सेल इज अ स्टार शेप ठीक है यस yes, एब्सोल्युटली तो हम यहां पे स्टार्स बनाने वाले हैं पहले तो

मैम गाना मत गाओ मैम अभी क्यों मैं गाती हूँ तुम्हें बड़ा बुरा लगता है वैसे सुनते रहते हो तुम यस yes, yes. <laughs> तो अगर हम सेकंड पॉइंट पे चले यहाँ पे सपोर्ट और रिपेयर तो कर ही रहा है अलोंग विद टाइट जंक्शन अलोंग विद टाइट अलॉन्ग तो अलोंग विद टाइट टाइट जंक्शन ये क्या बनाते हैं बच्चों बैरियर्स बनाते हैं बैरियर्स ये कहाँ पे बनाते हैं ब्रेन में जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कहते हैं बच्चों जहरीली चीज तुम्हारे दिमाग तक ना पहुंच पाए कहना तुम बहुत इधर उधर की बातें सुनते हो यस yes, बिल्कुल तो ऐसी जहरीली बातों से जहरीले केमिकल से बचाता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो बनता है टाइट जंक्शन और एस्ट्रोसाइट्स की मदद से ठीक है बच्चों तो ये फंक्शन आपके एस्ट्रोसाइट्स के इसको लिख लो फटाफट से बिकॉज नाउ विल बी स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट सेल द नेक्स्ट सेल वी हैव इज माइक्रोग्लियल सेल माइक्रोग्लियल सेल्स तो अगर हम माइक्रोग्लियल सेल की बात करें बच्चों तो सबसे पहले एक तरह का फैगोसिटिक सेल है जो बोन मारो में बनता है और ये एक्सेप्शन बन जाता है बिकॉज यही एक सेल है जो मीजोडर्मलिन ओरिजिन है क्या है बच्चों ये मीजोडर्मलिन ओरिजिन

साक्षी के बारे में कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं मान ही नहीं सकती बिल्कुल नहीं नहीं साक्षी डोंट से एनीथिंग यस डोंट से एनीथिंग बच्चा डोंट डू दैट यू पीपल आर क्लासमेट्स एंड आई एम सो हैप्पी कुछ नहीं एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं नो 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 लिख लो इसको आराम से

चलो बताओ जल्दी से चार्ट बॉक्स में ओके ओके आंसर बताओ यस टेल मी तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नर्व एंड अ न्यूरॉन बेटा नर्व और न्यूरॉन के बीच में डिफरेंस क्या होता है सवाल तो तगड़ा है यार सवाल तो तगड़ा है आंसर क्या है आंसर भी तगड़ा आना चाहिए यस yes. हाथी मेरे साथी

यस yes, बच्चों तो आंसर क्या बच्चों अच्छा नर्व मैं ओहो तो इसका आंसर है नर्वस टिश्यू इसका आंसर क्या है बच्चों नर्वस टिश्यू बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट नर्व सेल ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कितनी बार मैम ने लिखवाया था एक्टोडर्म मेसोडर्म बोथ ऑफ दीस और एंडोडर्म व्हाट इज द राइट आंसर यस टेल मी बच्चों यस जो आपका नर्वस टिश्यू है वो नर्व कॉर्ड से बनता है और नर्व कॉर्ड का ओरिजिन मामने बताया क्या होता है एक्टोडर्मल क्या होता है बच्चों एक्टोडर्मल एप्सोल्यूटली बस सो इजी है ना चलो इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं कंप्लीट बच्चों आज का सेशन थोड़ा सा शगुन वाला था बट आई जस्ट होप यू एंजॉयड दिस नर्वस इशू अब हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम करेंगे एनिमल किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर और इसका भी नेक्स्ट लेक्चर और फिर हम कॉकरोच शुरू करेंगे एंड विल बी बाइंडिंग अप दीस टू चैप्टर्स वेरी क्विकली ठीक है यस चलो फिर मिलते हैं बच्चों बाय टेक केयर और

एज सुन एज आई रीच डेली आई विफिनेटली मेक न्यू लिंक स्पेशल क्लास और इस बार स्पेशल क्लास में ना दस हजार बच्चे लेकर आएंगे येस yes! दस हजार बच्चे एक साथ पढ़ेंगे आई एम गोइंग टू डिजाइन अमेजिंग स्पेशल कोर्स फॉर यू ठीक है चलो बायेरे बच्चो बाय